माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। बर्थ डेट के थ्रू से आप फाइल को पिक कर सकते हैं, बट इंट्यूटिवली फाइल को पिक करें। मैं यहाँ पर डाल दूंगी स्क्रीनशॉट। तीन ऑब्जेक्ट आएंगे, सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए उस टाइम फ्रेम में, मेडिटेशन कर जो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ करें। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो बर्थ डेट तो होगा ही टाइम्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। 11/11 पोर्टल। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है आपकी बर्थ डेट्स, अगर इस डेट में से है। ओके, एंड अगर आपने एंकर सिंबल को चूज़ किए हैं, देखते हैं मेजर क्या शिफ्ट एंड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। फर्स्ट कार्ड है पेशेंस, जस्ट ए फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। बोला जा रही है और कुछ मंथ के इंतज़ार है, उसके बाद बहुत बड़ी कुछ ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए आ रही है। ये पेशेंस में यहाँ पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ फ्यू मंथ्स की बात हुई है, 2 to 3 months or 4 months इस टाइप की रेंज आ रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं क्योंकि फ्यू मंथ्स बोला गया है, जस्ट ए फ्यू मोर मंथ्स। ओके, जैसे कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट दिस इज साइकल्स, पेट कर्मा, समथिंग एंडिंग एंड समथिंग बिगनिंग। सो यहाँ पर एक साइकिल की पैटर्न एंड हो रही है, एंड जो डेफिनेटली कार्मिक की बात हो रही है, एंड एक नई साइकिल आप रचना कर रही है आपके जीवन में आ रही है। सो ये शायद उस पैटर्न को ब्रेक करने की बात बता रही है। फ्यू और जैसे और कुछ फ्यू मंथ्स और यहाँ पर लगेंगे। देखते हैं और क्या मैसेज है 11/11 पोर्टल में लव लाइफ के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं एंड में देखूँगी, उससे पहले थोड़ी जनरल यहाँ पर मैसेज देखते हैं क्या चेंजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 1 11/11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में 11/11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है, देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एनफ, मे यू बी एग्जैक्टली एज यू आर। तुम जैसे हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो, यू आर गुड एनफ। तुम्हें जिस तरह से जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही, एक आइलैंड दिखाई दे रही है, एक जैसे पूरी समुंदर के बीचों बीच हुई है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लोग जाते नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है, बट वो फिर भी खड़ा है। इतनी सुनामी के बावजूद भी वो आइलैंड जो है एकदम से स्टैंड स्टिल खड़ा है। सो यहाँ पर 10 लोगों की भीड़ में खड़े होने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। एंड यू हैव दिस करेज। ओके, नेक्स्ट विद दिस, मे यू सी द सबलाइम इन द एवरीडे लाइफ। हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में एक एवफुल सिचुएशन, करंट टाइम फ्रेम में एक ऐसा सिचुएशन जो आपको बहुत हताश कर रही है, बहुत ज़्यादा निराशा की ओर लेकर जा रही है, बट स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं क्लाउड्स परमानेंट नहीं होते हैं, सनराइज सन को कोई छुपा नहीं सकता, तो ये समय टल जाएगा। एंड यूनिवर्स इज हियर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू पनिश यू। नेक्स्ट विद दिस लाइफ, मे यू डिलाइट इन वाइटलिटी। तुम जिंदा हो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एक बात बोला जाता है कि एक जीवन एक अवसर, एक ही जीवन एंड एक ही अवसर है, फिर मिले ना मिले ये जीवन, जैसा भी जीवन हो। यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जा रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, जो हील एरिया बट पर्टिकुलरली जो सी बीच के आसपास हो, ऐसी कोई जगह शायद बहुत जल्दी विजिट करने जा रही है, बट हील एंड सी बीच दोनों ही बहुत स्ट्रांगली आ रही है। केव टाइप की एरिया जो होती है, जहाँ पर बहुत सारी केव है, यू नो, ऐसी कोई जगह शायद अट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, एंड आप जाएंगे। ट्रिप नंबर 1 हील एरिया भी हो सकती है, कोई पिलग्रिमेज हो सकती है हील एरिया में, बट जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, होली रिवर है। ओके, देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र हो गया, मैं इंडिया की अगर बात करूँ, ब्रह्मपुत्र हो गया, यहाँ पर गंगा हो गया, गोदावरी, मतलब बहुत होली कोई रिवर आप दर्शन करेंगे। ओके, देखते हैं 11/11 पोर्टल। थैंक यू। 11/11 पोर्टल, थैंक यू। 11/11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है पोर्टल भगवान की लाइफ में। ओके, 11/11 पोर्टल,
आपको शायद इजिप्ट पिरामिड बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली मुझे इजिप्ट एरिया नज़र आई। ग्रुप नंबर वन, ये पोर्टल की बात नहीं हो रही है, इंट्यूटिवली ये मैसेज मैं आपको चैनल करी हूँ यहाँ पर। 11-11 पोर्टल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आ रही है 11-11 पोर्टल। डिवाइन मैस्कुलिन, ये आपकी पावर है, आपकी करेज है, जो खुद के हम सब के अंदर जो मैस्कुलिन पावर होता है, दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ द मून। वो कहते हैं ना कि सपने में अगर सन मून एक साथ उदय होते हैं, वो आपको दिखाई दे रही है, सपने में दिखाई दे रही है, तो भाग्योदय का समय आ रही है। ये भी एक 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 साइंस सिंक्रोनिसिटी से पता चलता है कि एक ही आसमान में आपको सनराइज़ भी होता हुआ दिखाई दे रही है, यहाँ पर मून भी राइज हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव साइन होती है। बट मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, सो ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर की मैस्कुलिन पावर, अपनी पावर को रिक्लेम करने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इनफ कार्ड आई हुई है, तो आपको बोला जा रहा है आप जैसे हो बेस्ट हो। किसी के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस करना नॉर्मली क्या होती है, आप देखेंगे कुछ लोग प्यार में जब धोखा खाते हैं बहुत ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं, एक एंग्जस लव होते हैं ना कि शायद उसने छोड़ दिया बिकॉज मेरे ही अंदर कुछ खामियां थी। सो ये जो एक एनर्जी होती है उस चीज़ से बाहर आ रही है, आपको लग रहा है खामियां मुझ में नहीं, खामियां उसमें थी जिसकी वजह से हुई है। तो ये जो पैटर्न को ब्रेक करना, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन पावर एक्टिवेट होना, आपकी एनर्जी, आपकी करेज, बोल्डनेस बहुत शाइन करी है यहाँ पर। नेक्स्ट विद दिस एफ्लुएंस, VIP जो ट्रीटमेंट होते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपका जो चॉइस होगा ना विशाल होगा। गाड़ी चाहिए, मैं बाद में खरीद लूँगी बट अच्छा गाड़ी लूँगी। मुझे घर चाहिए 1 BHK नहीं, टाइम लेकर मैं 2 BHK ही मुझे लेनी है। तो ये जो विशालता है चीज़ों को रोक कर अच्छा चीज़ें लेना, ये वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंशियल किसी पर्सन की हेल्प आपको मिलने जा रही है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर बनाने की कोशिश करें बट somehow वो बन नहीं रहा, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स की कुछ दिक्कत, तो दूसरे ओर से कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का हेल्प सपोर्ट की वजह से आपका वो काम बन जाएगा। ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके सीनियर, आपकी ऑफिसर भी हो सकती है, बट ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी कोई रुकी हुई काम पैटर्न जो है वो ब्रेक हो सकता है यहाँ पर, वो पोर्टल में वो ब्लेसिंग्स आपके लिए। या एब्सोल्युटली दिस इज़ द ग्रीन मैन ग्रोथ कार्ड नंबर 10, साइकिल कम्प्लीशन, ग्रोथ आ रही है आपके लिए। एंड यहाँ पर भी एक स्नेक है जो डोर को नॉक कर रहा है, आई डोंट नो यहाँ पर कितना कैमरा फोकस कर पा रहा है, बट यहाँ पर एक गेटवे पोर्टल है जहाँ पर रून सिंबल दिया गया है, दिस इज़ द ग्रीन मैन। एंड यहाँ पर एक एग है, स्नेक एग है, जहाँ से धीरे धीरे स्नेक बाहर आ रही है, मतलब छोटा स्नेक जो है, बेबी स्नेक जो है वो बाहर आ रही है। एंड वो नॉक कर रहा है, वो जैसे उसका फैमिली उसके अंदर है तो नॉक कर रहा है, तो एक गेटवे पोर्टल ओपन होने जा रही है। जब एक की बात होती है एंड स्नेक आते हैं, जो हीलिंग, स्नेक का मतलब है रिलीज ओल्ड एम्ब्रेस द न्यू वन, सेडिंग द स्किन। सो ये सेल्फ को एक छोड़ना होता है, ओल्ड सेल्फ को छोड़ना एक बात हो गया। एंड ग्रीन मैन जो है स्टेबिलिटी आना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आना, आपके घर में कुछ एनर्जी स्टेबल हो रही है, बहुत टाइम से कैवास कंफ्यूज सिचुएशन चल रही थी, एक एवफुल सिचुएशन जहाँ पर क्लाउड से क्लैरिटी नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, झगड़ा हो रही है, छोटी सी बात बड़ी एक बात में कन्वर्ट हो गया, अपने अपने रूम में चले गए। ये जो एक सिचुएशन होती है घर में, ये एनर्जी रिलीज होता हुआ दिखाई दे रही है, ग्रोथ कार्ड आ रही है। ओके, आपको जैसे बोला जा रही है एवरीडे सुबह उठकर कहो थैंक यू सो मच फॉर दिस डे, एंड आज मैं ज़िंदा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपको अफर्मेशन लेना चाहिए मॉर्निंग में सुबह उठकर, ये सबसे बड़ी एक काम आपका होना चाहिए। बट ट्रिमेंडस एंड एनर्मस ग्रोथ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है इस पोर्टल में। ओके, देखते हैं टैरो से, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1, 11-11 पोर्टल, बहुत लेक का एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 1, लेक आइसोलेट एक मूड है जो केतु को लिबरेशन की ओर जाना, मोक्ष कैसे मिलेगा, इस टाइप की चीज़ों पर जैसे आपका ध्यान है। ग्रुप नंबर 1, किस तरह से इस कर्म से, साइकिल से बाहर आना है, जैसे आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करती है करंट टाइम फ्रेम में। ग्रुप नंबर 1, 11-11 पोर्टल, थैंक यू सो मच। 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही हैं? ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट आ रही है, चैरियट का जो कार्ड होता है एक मूवमेंट, एक जर्नी, एक शिफ्ट,
एक बड़े घर में जाना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल छोटी जगह से दूसरी किसी जगह पर जाना, रिलोकेशन ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट चैरिट आने का मतलब ही अब समय की चक्र जो है घूमने जा रही है। तुम चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। चैरिट का मतलब ही है अब रथ आगे बढ़ने लगी है। जैसे जीवन हो या रथ, अगर भूमि में फंस जाए, दब जाए पहिया, तो यहाँ पर थोड़ी टाइम लगता है। सो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है, बिकॉज एफ्लुएंस का एनर्जी है, कोई मदद करेगा। ओके, देखते हैं कोई गाइडेंस के थ्रू से, नॉर्मल कोई ह्यूमन बींग्स जो आपको लिटरली कोई हेल्प मिले। दिस इज़ नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब संघर्ष की स्थिति है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक संघर्ष की स्थिति है, एंड काफ़ी बाउंड्री में आप अपने जीवन को बिता रही है। मतलब आप टेकन फॉर ग्रांटेड लग नहीं रहा, आपकी जो एनर्जी आ रही है नाइन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में, मतलब आप टेन ऑफ वॉन्ड्स को कम्प्लीट करना चाहते हैं। एक बर्डन है जो उस बर्डन को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत जल्दी कंधों से उतारना, मतलब उतर जाएगा। चैरियट भार दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी भार, कर्म का भार और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कोई पर्सन फाइव ऑफ वॉन्ड्स से कैवास कंट्री सिचुएशन, ऐसा हो सकती है आपकी कोई मेंबर के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई तारे बन गई है, यू नो कोई एक्सपायर कर चुका है, ऐसे कोई पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। मुझे थोड़ी उसकी एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, उसकी ओर से कोई संदेश ग्रुप नंबर वन सपने के थ्रू से किसी ना किसी के माध्यम से आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। पास्ट मसला जो है किसी पर्सन के साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, बिकॉज लवर्स कार्ड आई हुई है। सो यहाँ पर रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक मैसेज है जहाँ पर आपको फाइनल क्लैरिटी मिल रही है, बट समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस जिसके साथ ईगो क्लैश हुई है, जिसके साथ कुछ वाद विवाद वगैरह हुई है, बट अगेन विद दिस लवर्स कार्ड चॉइस हो सकती है आपके पास एक्स एंड नेक्स्ट, कुछ इस टाइप की चॉइस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगर कोई ऐसी कोई व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कंप्लीटली सिंगल है, सो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। बट बाकी के लिए लवर्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, एक इक्वल गिव एंड टेक सिचुएशन यहाँ पर होने जा रही है। थोड़ी लव लाइफ के लिए देखते हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, 11-11 पोर्टल क्या यहाँ पर मैसेजेस देना चाहते हैं, इस पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, थैंक यू। 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर वन, लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। 11-11 पोर्टल, वन टाइम मोर। ओके, रोमांस एंड लव देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। विक्टिमाइज्ड, ट्रस्ट योर बिलीफ, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड, सभी आपको उंगली दिखा रही है, सभी जैसे आपको उंगली उठाकर आपके जीवन को लेकर, आपकी जीवन के कुछ पैटर्न को लेकर सभी आपको दोष दे रहा है। आपकी लव लाइफ में आज जो भी स्थिति है, आप जैसे बहुत बड़ा मतलब विक्टिम बन गए हैं जैसे, और दैट्स योर कंप्लीट योर थॉट। मैं आपको शुरू में एक बात बोल रही थी कि जब कोई दो तीन बार एक घटना रिपीट हो रही है और आपको लग रहा है कि शायद मुझ में ही दोष है जिसकी वजह से बार बार हो रही है, एंड अपने आपको एकदम विक्टिम बना लेना, विक्टिमाइज्ड कर लेना, घर में कैद कर लेना, इस सिचुएशन से स्पिरिट आपको बताना चाहते कि बाहर आओ आप। देखते हैं, एंड दिस इज सेपरेशन इज एन इल्यूशन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। सो यहाँ पर एक बात बोला जा रही है कि सेपरेशन एक इल्यूशन है, ट्विन फ्लेम यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी कनेक्टेड है 5D लेवल पे। देखते हैं एक दूसरे को टेलीपैथी के लिए कनेक्ट करना, देखते हैं लव लाइफ में और क्या मैसेजेस है। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, मतलब तैयारी शुरू कर दो, मतलब एक सेलिब्रेशन तुम्हारे लव लाइफ में आने जा रही है, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई पार्टी फंक्शन की इन्विटेशन आए, गो फॉर दिस।
नेक्स्ट विद दिस ट्रू लव ए डीप एंड एंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन दिस इज योर ट्रू लव ग्रुप नंबर वन. एक ट्रू लव आपको मिलने जा रही है जो बहुत डीप है. इमोशनली फिजिकली आप कंप्लीटली कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के साथ. जो समटाइम्स यू फील सुपरफिशियल लाइक इल्यूशन है बट नो दिस इज योर ट्रू लव. लाइफ टाइम के लिए वो आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रही है. आपको बोला जा रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जस्ट ड्रेस अप फॉर दिस पार्टी फन टाइम्स अहेड. मतलब सेलिब्रेशन कोई गैदरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है एंड यू विल बी इन्वाइटेड. सो गो फॉर दिस. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर टू. 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस लेकर आ रही है. पीकॉक फीदर आपने चूज़ किए हैं. दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. इस डेट में से है. देखते हैं क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर टू आपके लिए. 11-11 पोर्टल कमिटमेंट. थिंग्स आर गेटिंग सीरियस. ओके फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट साइन या फिर कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होगी. सबके लिए मैरिज नहीं है बट कुछ के लिए यहाँ पर कमिटमेंट रजिस्टर्ड मैरिज इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है. समथिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर गेटिंग सीरियस. जो सीरियस है इम्पॉर्टेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन. ओके नेक्स्ट विद दिस यस ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते. लक इज़ ऑन योर साइड. यस कार्ड है. सो कमिटमेंट दिस इज़ बिग यस. वाओ ग्रुप नंबर टू. ग्रुप वन से आपकी एनर्जी पॉजिटिव है. देखते हैं और क्या यहाँ पर चेंजेस आ रही है. मैं थोड़ी यहाँ पर जनरली देख लेती हूँ देन लव लाइफ के लिए देखेंगे एंड में. 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर टू की लाइफ में. थैंक यू. लेट्स सी 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर टू आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है. थैंक यू सो मच. ओके बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या चेंजेस लेकर आ रही है. दिस इज सैटर्न. एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है. सैटर्न आने का मतलब है आप कर्म पर फोकस्ड है एंड जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में सैटर्न वक्र अवस्था में हो रेट्रो कंडीशन में हो तो आप काम के पीछे भागेंगे. एक काम आपका सही तरीके से होगा नहीं. हमेशा ही एक काम को 2-3 बार रिपीट करने के बाद वो काम आपके बनेंगे. सो कहीं ना कहीं एक कार्मिक जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो एंड होने जा रही है. नंबर 8 है. दिस इज डिवाइन फेमिनिन. अब डिवाइन फेमिनिन डिफरेंट तरीके से यहाँ पर मैसेज यहाँ पर चैनल हो रही है. कुछ के लिए आपकी अंदर की डिवाइन फेमिनिन जो बहुत ज़्यादा हो सकती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे वल्नरेबल थे अब वो एनर्जी बहुत बैलेंस्ड हो रही है. आपकी खुद की अंदर की इन एनर्जी बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करी. 8-8 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. ग्रैटिट्यूड वॉट एवर आई हैव सो यू नो से थैंक यू टू यूनिवर्स कि आप ग्रेटफुल हैं. सो ये जो चीज़ होती है कि आपके पास जो भी आपको मिली है उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना. आप जर्नलिंग वगैरह करी है या आपकी थोड़ी मूड को एनहेंस करेंगे. अगर आपको मूड स्विंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप थोड़ी मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं. बट ग्रेटिट्यूड की एनर्जी एंड विद दिस कैंडल यू विल बी शोन द राइट वे ऑल द टाइम. कोई है जो आपको रास्ता दिखाएंगे. ओके सैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट. हो सकता है 7th हाउस के साथ सैटर्न का कोई कनेक्शन. 7th हाउस पर दृष्टि डाल रही है. फिर 7th हाउस में कुंभ कैप्रिकॉन यू नो एक्यूरियस या फिर कैप्रिकॉन की राशि वगैरह बनी है. सैटर्न का एस्पेक्ट है. सैटर्न के साथ दारा बैठा हुआ है. दारा ही सैटर्न है. कुछ ना कुछ संबंध दिखाई दे रही है बट जिसकी वजह से शायद आप थोड़ी डिले भी फेस कर रही है. बट द डिवाइन फेमिनिन बाकी के लिए ये डेफिनेटली कोई परमानेंट पर्सन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में अपेयर कर रही है आ रही है. ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर टू. 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर टू की लाइफ में. ओके 11-11 पोर्टल बॉटम ऑफ द डेक. दिस इज़ कार्ड ऑफ शाइन. मे यू बी लाइट हाउस. तुम शाइन करोगे एंड दूसरों को भी शाइन करने में मदद करोगे. लाइट हाउस की एनर्जी आ रही है. एक लाइट वॉकर की एनर्जी. एक टीचर होता है जो खुद भी ज्ञानी है वो ज्ञान है एंड दूसरों को वो शेयर कर रही है. वो एक एनर्जी होती है. एक गुरु बनना टीचर मेंटर लाइट वॉकर. आप किसी भी फील्ड का टीचर हो सकते हैं डजेंट मैटर. आप किसी भी फील्ड का कोई डॉक्टर हो सकते हैं. तो वो आपके अंदर वो एनर्जी है हीलिंग पावर है. बट आपको यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है 11-11 पोर्टल में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आइदर यहाँ पर आपका गुरु एक्टिवेट हो जाएगा, वेनस तो एक्टिवेट होता ही है मैरिज के बाद, गुरु को एक्टिवेट होना ही है तब मैरिज होती है, बट आई डोंट नो समथिंग सेवन्थ हाउस में जब आपका गुरु होता है, गुरु का एस्पेक्ट होता है, तब मैरिज के बाद वो लक आपके साथ काम करना शुरू करते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बट यहाँ पर शाइन करते हुए दिखाई दे रही है आप। ओके ग्रुप नंबर टू, नेक्स्ट विद दिस एक्सेप्ट मे यू रिसीव व्हाट इज एज इट कम्स। जो भी आ रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, क्रिटिसाइज मत करो, जो आ रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, नो ईगो नो क्रिटिसिज्म, जो हो रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, देखो क्या होती है। नेक्स्ट विद दिस रिसीव, एक्सेप्ट एंड रिसीव, मे यू नो यू आर वर्दी ऑफ द गिफ्ट। अपने आप को वर्दी फील करो, रिसेप्टिव के मोड में रहो, एंड आप बहुत कुछ रिसीव करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर टू, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस जो है आप रिसेप्टिव बना देगा आपको, एंड जिसकी वजह से आप शाइन करेंगे। एंड ये जो जगह है ना, बहुत रूखी सूखी ग्रास की एनर्जी है, एंड लुक द शाइन हेयर। सो ये शिफ्ट होगा आपके जीवन में, एक रूखी सूखी जगह से एक शाइन करते हुए एनर्जी आ रही है। थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है ग्रुप नंबर टू, देन मैं टैरो से देखूंगी। 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है ग्रुप नंबर टू के लाइफ में। लक आपके फेवर में है, बॉटम ऑफ द डेक में है इनिशिएशन, किसी चीज़ के लिए इनिशिएशन मतलब एफर्ट्स लगाना। ओके यहाँ पर जो मैसेज है, एक सेकंड में थोड़ी यहाँ पर इस तरह से दिखाती हूँ इसको, ये एक्चुअली शिव है, ये शक्ति है। मैं थोड़े कार्ड को इस तरह से दिखा दूँ तो आपको समझ आएंगे, ये फेमिनिन साइड है, ये फीमेल पोर्शन है, एंड दिस इज़ मैस्कुलिन पोर्शन मेल पोर्शन, एंड ये शिव शक्ति एक साथ में जो अर्धनारीश्वर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफिकेशन, सिक्स रे स्टार बोला गया, मतलब यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन आई हुई है, ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन मौजूद है, शिव शक्ति का मिलन। ये जो कार्ड है ये शिव शक्ति की मिलन को दिखा रही है, आपकी खुद की अंदर की एनर्जी हो सकती है, इन एंड यंग बैलेंस हो रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको थोड़ी गायनोकोलॉजिकल को जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ इशू चल रहा था, उस जगह पर भी ये रिकवरी की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी जो है वो उसकी बात भी बता रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए पीरियड से जुड़ी अगर इशू चल रही थी, उस जगह पर भी आपके लिए रिकवरी आ रही है। जैसे आप कुछ आपका डाइट चार्ट, आपका आप हेल्थ कंसर्न्स है, तो जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट होगा, बट कुछ के लिए ये तो शिव शक्ति मिलन है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड की ही वो एनर्जी आई हुई है। ओके देखते हैं आपके टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। अपनी खुद की अंदर की इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करें। देखते हैं ग्रुप नंबर टू, 11-11 पोर्टल क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस लेकर आ रही है। थैंक यू, वन टाइम मोर। ओके ओके, दिस इज समथिंग लाइक कोई अपने आप को छुपा रही है, एंड दैट्स व्हाई ये मैसेज थी, यू आर वर्दी ऑफ गिफ्ट। ओके देखते हैं, अपने आप को मार्क्स में रखना, क्या 11-11 पोर्टल की एनर्जी है। दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स विद दिस एस ऑफ कप्स। लिसन, एस ऑफ कप्स एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट एंड रिलेशनशिप वाइज, जहाँ पर आपको जो मिल रही है जिसको लेकर आप बहुत खुश है, एंड यहाँ पर भी कपल की फॉर्म में कार्ड आई है। किंग ऑफ वॉन्ट्स जो है एक रोमांटिक किंग है, जो बहुत ही पैशनेट किंग है, बट अनदर क्वीन ऑफ शॉर्ट जो है बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसे एक कपल यहाँ पर दिखाई दे रही है, परफेक्ट इन एंड यंग का एनर्जी है, दिस इज़ परफेक्ट इन, दिस इज़ परफेक्ट यंग, कम्बिनेशन अच्छी है। वन पर्सन इज़ वेरी डिसिप्लिन, अनदर पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, जो आपका मास्टर कार्ड आई है। वर्ल्ड का मतलब ही है एक, एंड एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एस का एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग्स की बात बताती है। वर्ल्ड जो एनर्जी फिनिशिंग लाइन है, एक चैप्टर क्लोज, एक आपका जीवन का कोई कार्मिक पाथ का क्लोजर, एंड एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहाँ पर आपकी बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट है, दैट्स द एनर्जी। ओके देखते हैं क्या यहाँ पर सपोर्टिंग एनर्जी आ रही है आपको, एंड लुक दिस कार्ड द टावर एंड विद द स्टार कार्ड हेयर, 7 एंड 8 बैक टू बैक आई हुई है।
बीच में टू ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, टावर का मतलब एक हादसा, एक इवेंट जो आपको हिला कर रखे थे, एक इमोशनली आप ट्रॉमाटाइज थे, आप एंग्जस थे और विक्टिम आप महसूस करते, विक्टिमाइज आप महसूस कर रहे थे, बट वो एनर्जी यहाँ पर हील होता हुआ दिखाई देता है। स्टार कार्ड इज हियर, आप नई तरह से कुछ शुरुआत करें एंड हील, ये आपकी हीलिंग हुई है। ग्रुप नंबर टू, यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर शोर है बिकॉज कुछ सेलिब्रेशन वगैरह चल रही है नीचे, तो मुझे आपके लिए भी वो सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। स्टार का एनर्जी जो है ये विश फुलफिलमेंट है एंड टू ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस की बात बता रही है, कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ इशू, पास्ट के कुछ इशू जो है, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी इनिशिएशन से एक बहुत बड़ी एक विश फुलफिलमेंट की रीज़न बनेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, चल नहीं रहा वो, मतलब बड़ी रगड़ रगड़ के आपको लेकर जाना पड़ रही है, आपने अपनी कुछ रीनेम कर दिया, यू नो साइन बोर्ड या फिर फ्रंट को है बहुत चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ आपने चेंज कर दिया बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दी, आप एक फील पे है, लोग आपके पास क्यों अप्रोच करेंगे, तो ये जो आप एक प्लांट करना, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप दिखा रही है सामने कि आई हैव दिस, तो और भी ज़्यादा क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे, तो ये आपका प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, समथिंग योर प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो टावर मूवमेंट को एकदम से घुमा देगा, 180 डिग्री शिफ्ट करेगा एंड दैट्स द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए लव लाइफ रिगार्डिंग, देखते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में ग्रप है, 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। नंबर टू, ओ माय गॉड, ओके, वन टाइम मोर, थैंक यू, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करो। ओके, देखते हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार सेट, योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी, हु यू आर, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड नीचे गिरी है, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले दो कार्ड देख लेते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, विक्टिमाइज्ड, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड, लोग क्या कह रही है, लोग कितनी आपको क्या बताई है उसको लेकर पड़े मत रहिए, आप बहुत जल्दी ना विक्टिमाइज्ड मोड में चले जाते हैं, मुझसे और नहीं होगी। ये लव लाइफ की मैसेज आ रही है, हो सकता है आपने ना सुनी है, कुछ ना कुछ रिजेक्शन, कुछ ना कुछ की वजह से आपका एकदम एनर्जी जो है ना प्यार की प्रति एक डर आ गई, फियर आ गई है, इंटिमेसी का फियर हो सकता है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, डरा डरा कि कुछ बोलेंगे, यू नो फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, विक्टिम बना कर रखी है आपने ग्रुप नंबर टू अपने आप को। एंड नेक्स्ट, विद दिस मैनिफेस्टेशन, ट्रस्ट योर पावर, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू हैव दिस पावर, ग्रुप नंबर टू। एक कार्ड नीचे गिरी है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक कार्ड नीचे गिरी थी सबके लिए, ये मैसेज नहीं है स्पेसिफिक कुछ ग्रुप के लिए, चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, किड्स को लेकर बातचीत हो रही, बच्चे, एक दो बच्चे, अच्छा यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी मैरिड है, आपके बच्चे हैं, सो जिस वजह से यहाँ पर हो सकते हैं कुछ लोग, यू नो जस्ट मतलब मैरिज को लेकर आपको कई बातें, कई बार रिजेक्शन देखना पड़ा क्योंकि बिकॉज आपको आपके बच्चे वगैरह है, कुछ के लिए नज़र आ रही है और फॉर सम स्पेसिफिक मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, यू आर लाइक चाइल्ड लाइक बेबी, या फिर आपके साथ जो कनेक्शन में आएंगे वो ट्रीट करेंगे यू आर लाइक चाइल्ड। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर टू लव लाइफ में, 11-11 पोर्टल कौन से डोर को ओपन करेगी आपके लिए, कमिटमेंट ऑलरेडी आई हुई है विद दिस बिग यस, ग्रुप नंबर टू, लेट्स सी। ओके, सरप्राइज कार्ड आई, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना चाहिए, यहाँ पर सरप्राइज दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर टू, 11-11 पोर्टल, ओप्स, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन फॉर सम, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांजिट टाइम एंड स्पेस, तो कुछ व्यूअर्स की पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ये, एंड
कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी एंड हो रही है और कुछ ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से बार बार विक्टिमाइज्ड हुई थी, हो सकती है बचपन की कुछ ट्रॉमा हो सकती है, कुछ ऐसे पैटर्न बार बार वो रिपीट हो रही थी, उस पैटर्न से आप बाहर आ रहे बिकॉज वर्ल्ड का एनर्जी है। एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। एडवेंचर का मतलब ही है जहाँ पर आप आउटकम को लेकर वरिड नहीं है, तो सरप्राइज है, एडवेंचर है आपकी लव लाइफ में। गिफ्ट्स की एनर्जी है, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। सबसे बड़ी गिफ्ट होती है लव लाइफ में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना। हर किसी में ही कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होगा ही होगा, उसको रेक्टिफाई करना, उसको समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वही सबसे बड़ी गिफ्ट्स होती है लव लाइफ में। एंड ऐसा ही कनेक्शन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कनेक्शन की बात बता रही थी ना, यहाँ पर कनेक्शन कार्ड आई, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल, चेरिश दोस कनेक्शन। सो यहाँ पर बोला जा रहा है जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको टेक केयर करते हैं, आपको लेकर वरिड है, उस कनेक्शन को हमेशा बना कर रखें। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपके लिए एडवेंचरस जर्नी लव लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पर यहाँ पर रिंग सेरेमनी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि गिफ्ट्स है, सरप्राइज है। सो रेस्ट एश्योर ग्रुप नंबर टू, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, देखते हैं 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है एंड डायमंड हार्ट आपने चूज़ की है। 11-11 पोर्टल फर्स्ट कार्ड, ओके, इंटीमेसी की बात हो रही है, सेक्सुअल केमिस्ट्री सबके लिए नहीं है, ये एट्थ हाउस का एनर्जी है, ये ऑकल्ट से जुड़ते हैं, ये रिसर्च से जुड़ते हैं, ये सडन कुछ सरप्राइज की बात होती है, रिबर्थ की बात होती है, तो एट्थ हाउस की एनर्जी मौजूद है। कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप में एनर्जी आ रही है, केमिस्ट्री यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है, ओके, जो कपल है रिलेशनशिप में है। आज साइन इंपॉर्टेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न डोमिनेंट कोई पर्सन यहाँ पर नजर आ रही है। देखते हैं और क्या एनर्जी है, एंड में देखेंगे लव लाइफ रिगार्डिंग 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ओवरऑल देख लेते हैं 11-11 पोर्टल ग्रुप नंबर थ्री क्या चेंजेस एंड मेजर शिफ्ट है आपके लिए। बट आर्ट एंड इंटीमेट कनेक्शन की बात हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी की बात हो रही है, वेल्ड पर्दा उठ रही है, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे है ग्रुप नंबर थ्री, ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसम्यूट, आपका जो जीवन दिखाई दे रही है 11-11 पोर्टल में, एक शेडिंग द ओल्ड स्किन, लुक एट दिस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रही है, अपनी कुछ छोटी मोटी कुछ काम आपने स्टार्ट की है, बट आप बहुत ज़्यादा अभी आइडेंटिटी को आप रिवील नहीं कर रहे थे कि थोड़ा काम बढ़ जाए देन। सो यहाँ पर जैसे आप कैमरे के सामने आ रहे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी बात सामने रख रहा है, कन्फेस कर रहा है, दैट्स द कार्ड। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसम्यूट की भी बात हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, शेडिंग द ओल्ड एम्ब्रेस द न्यू वन, अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करना। कोई अपनी नई हेयर स्टाइल बना रही है, आप अपने घर में नई कारपेट लगा रही है, वो भी एक ओल्ड लुक जो थी उसको आपने एक मॉडर्न टच दिया, चाहे वो अपनी बॉडी में हो, अपने ऊपर हो, या फिर घर में हो, या फिर अपनी दिनचर्या में हो सकती है। क्योंकि समथिंग एक ब्यूटिफिकेशन आ रही है, नया कुछ सुंदर तरीके से, मतलब आप जो भी चॉइस करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे, वो कीमती होगी, वो एक्सपेंसिव भी होगी, क्योंकि आप टाइम लेंगे कि थोड़ा रुक जाती हूँ, अच्छी चीज़ लेंगे। तो यहाँ पर मुझे जुपिटर एंड वेनस एक साथ में, जो युति का ये प्रभाव भी होता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट से भी ये होती है, बड़ी चीज़ें बाय करना कि टाइम लेते हैं। गाइड्स का एनर्जी आ रही है, कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं मेरे ग्रुप नंबर थ्री में, यहाँ पर बहुत सारे लाइट वर्कर, गुरु, टीचर की एनर्जी है। आप जिस भी फील्ड में हैं, लोग आपसे ना गाइडेंस लेते हैं। अगर आप बैंक के मैनेजर भी हो, आप एक जगह की कोई ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं लोग आपको विश्वास करते हैं कुछ के लिए। आपको 11-11 पोर्टल में पर्टिकुलर किसी साइकिक गाइड मेंटर से कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा। मुझे बहुत कुंभ की एनर्जी आ रही है, ये कुंभ का साइन नहीं है, बट कुंभ जो है रेवोल्यूशनरी चेंज टेक्नोलॉजी में, और जस्ट फॉर एग्जांपल आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उस जगह पर बहुत बड़ी आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज अर्थ का मतलब ही है, ये अर्थ त्रिकोण है, मनी आना, अबंडेंस आना। नेक्स्ट विद दिस टाइम, आप किसी चीज़ को शायद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ट्रांसम्यूट का मतलब है वो घड़ी बहुत क्लोज है। थोड़ी और मैसेजेस से देखते हैं और क्या चेंजेस आ रही है। बट काम काज आपका बहुत डीले होते हैं ग्रुप नंबर थ्री, ओके, देखते हैं क्या चेंजेस है 11-11 पोर्टल में, 11-11 पोर्टल में क्या चेंजेस है। वन मोर, ओके,
देखते हैं 11-11 पोर्टल फर्स्ट फ्लूइड मे यू शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म। सो कोई जैसे ब्लेसिंग दे रहे, नदी जब झरना बनते हैं या फिर वाटरफॉल बनते हैं तब उसका जो गति है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये एनर्जी महसूस हो रही है आपके लिए कि टाइम नहीं हो रही है, नहीं हो रही, फटाक से होगा। दैट्स राहू, रेवोल्यूशनरी चेंज। इसीलिए मैं बताई मुझे कुंभ का एनर्जी आ रहा है, कुंभ का कोलॉर्ड है राहू जो सडन अनकन्वेंशनल वे में चेंज देगा। दैट्स वाई बोला जा रहा है मे यू शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म। पहले खुद की जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। इनर जर्नी यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जैसे, बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट विद दिस मैजिक मे यू फ्लो विद द डिवाइन। सो शिफ्ट यहाँ पर आ रही है, फुल मून टाइम फ्रेम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फुल मून टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, एक मैजिकल शिफ्ट की चेंज यहाँ पर हो रही है। मे यू सी द सबलाइम इन द एवरीडे। एक आवफुल सिचुएशन जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बिकॉज कोई पर्सन के साथ जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप डील कर रही है जो पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, बट जब होगा सिचुएशन मतलब कंक्लूशन वो बहुत सडन होगा। यू फील लाइक सरप्राइज, आपके लिए वो एक सरप्राइज हो सकती है, एक सडन होगा। जो एक टावर की जो एनर्जी होती है ना, ये सडन को दिखाते हैं, जो अवॉइडेबल मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होगा ही होगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए। दिस इज स्ट्रेच मे यू एक्सटेंड योर रिच। थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स सोचो, तुम अपने होराइजन को एक्सपैंड कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी एक लोकेशन चेंज भी हो सकती है। ओके देखते हैं वाइल्ड मे यू एक्सप्रेस ऑल दैट यू आर। तुम परफेक्ट हो, गुड इनाफ हो एवरी एस्पेक्ट से। जैसे आपको बोला जा रही है, मैं आपको बोल रहे थे ना कि कैमरे के सामने आना, वाइल्ड एडवेंचरस एक लुक आपकी दिखाई दे रही है। थोड़ी जो होता है ना हिम्मत, कि तुम तो ऐसे नहीं थी, ऐसे चेंज कैसे हो रही हो इतनी ज़्यादा, मतलब कुछ सिर्फ जस्ट फॉर एग्जाम्पल बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे लोग डरते हैं, आपने कर दिया। बहुत सारे लोग तो MRI करते हुए भी बहुत डरते हैं। सो पहले आप डरते थे, बट एनर्जी वाइज वाइल्ड एनर्जी आ रही है। एक्सेप्ट मे यू रिसीव व्हाट इज एंड एज इट कम्स। जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करो ग्रेसफुली। अलाइव मे यू डिलाइट इन वाइटलिटी। तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। एक ही जीवन है, एक ही अवसर है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, तो उसको भरपूर मात्रा में उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि कल जीवन हो ना हो, और जीवन मिले ना मिले, और एक ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जीवन ना मिले। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि इतनी ख़राब लाइफ है कि मुझे और चाहिए भी नहीं, बट बहुत सारी लाख योनी क्रॉस करने के बाद इंसान की लोनी में जन्म होती है। सो एवरीडे सुबह उठकर आपको एक अफर्मेशन लेनी चाहिए कि आज के दिन जो है, आप गॉड, आप जो भी देंगे मेरे हाईएस्ट गुड सेल्फ के लिए, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। एक अफर्मेशन एवरीडे बोली सुबह उठते ही, एंड देखिए क्या चमत्कार होते हैं। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लव। मे यू डाइव डीप इंटू योर पैशन। तुम्हारी पैशन, आपकी राइटिंग आपकी पैशन हो सकती है, टैरो हो सकती है, आपके लिए कोई क्रिएटिव स्किल है जो आपके पास है, आपकी पैशन है, उसको लेकर काम करो। बट कुछ व्यूअर्स के लिए लव की ब्लेसिंग्स आ रही है। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। मैं इनमें देखूंगी आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। थोड़ी उड़ाकल मैसेजेस देख लेते हैं। मेजर शिफ्ट 11-11 पोर्टल में। थैंक यू 11-11 पोर्टल। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है एनर्जी कून ऑफ पावर। यू आर सो पावरफुल एंड असेंडिंग ऑर्डर में लाइफ जा रही है। यहाँ पर चार कॉर्नर में चार चीज़ें दिखाया गया है। एक कैंडल है, इसका मतलब है यू विल बी शोन द राइट वे। हमेशा ही तुम जब भटकोगे तुम्हें रास्ता दिखाया जाएगा। तुम मुझ पर भरोसा करो ना करो, मतलब तुम गॉड पर भरोसा करो ना करो, गॉड तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फेदर जो है साइन सिंक्रोनिसिटी तुम्हारे साथ होगी, तुम्हें यहाँ पर पहचाननी होगी। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो इमोशनल फुलफिलमेंट की ओर लेकर जाएगा। पेंटेगल फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल होंगे क्योंकि आर्थ साइन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। बट कोन ऑफ पावर का मतलब यू हैव ए स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर, बिलीव इट। आप क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं ऑथेंटिक वे में। बॉटम ऑफ द डेक में है हेरिटेज। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास लाइफ से मिली है, आपको वो एक मास्टर DNA एक्टिवेशन भी दिखाई दे रही है। एक ऐसी एनर्जी कुछ मंथ्स के अंदर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोई हिस्टोरिकल प्लेस मोनूमेंट विजिट करने जा रही है, जो हज़ार साल पहले से बनी हुई है, मतलब 2000-3000 साल पहले से, बहुत पुरानी कोई, मतलब कुछ मंथ्स के अंदर ही होगी। ग्रुप नंबर 3 ये मैनिफेस्ट हो रही है। बट यू आर वेरी पावरफुल ह्यूमन बींग्स ग्रुप नंबर 3।
ये कार्ड जो है ये एक प्रोटेक्शन का भी कार्ड है, चार दिशा में जहाँ पर एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जा रही है। बड़ी बड़ी मुसीबत आसपास के लोगों को हो सकती है, आप नैरो इसके में बच जाएंगे। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है। थोड़ी रिसेप्टिव मोड ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी में हो सकती है किसी चीज़ को लेकर बहुत हताशा है। देखते हैं, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट 11-11 पोर्टल क्या बिग शिफ्ट एंड चेंजेस लेकर आ रही है। वन टाइम मोर स्प्रेड, थैंक यू। 11-11 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है। टेम्परेंस, आप में एक अर्थ एंजल और एंजेलिक एनर्जी है, और पर्टिकुलर कोई स्पिरिट कुल देवी का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड, मैं बार बार टावर की बात बता रही थी। दिस द मैजिशियन, आप एक ऐसी एनर्जी है जो सिचुएशन को घुमा सकते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड जहाँ पर टावर गिरे नहीं हैं, तो ये मन का एनर्जी है। इमोशनल ब्रेकडाउन हुई है पास्ट में, एंड मैजिशियन आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी हीलिंग पावर, एंड आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या मास्टर का मास्टर एनर्जी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, दैट्स योर पावर, दैट्स योर मैस्कुलिन पावर। लियो का एनर्जी है, यहाँ पर एग्रेशन नहीं है लियो में, ये एनर्जी पैशन है, रिकवरी है, हेल्थ रिकवरी है, एंड बहुत पावरफुल एक पर्सनालिटी के रूप में इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3, जो शाइन कर रही है। एंड 10 लोगों की भीड़ में जो स्टैंड स्टिल खड़े हैं, अपने एनर्जी के साथ खड़े हैं, उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। एंड यू हैव दिस पावर। एंड ओके, दिस इज़ कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस। ये तो है ही लायन किंग का एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी आ रही है, एक बहुत बड़ी ऑफिसर बॉस टाइप की एनर्जी आ रही है, और दिस इज़ समवन पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रही है, दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। देखते हैं क्या सपोर्टिंग एनर्जी आ रही है। माई गुडनेस ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ विश फुलफिलमेंट एंड दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो ये आपके जीवन की एक ऐसा मोड टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रही है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे आप स्टार्ट करो पैकिंग, यू नो मैं आपको बोल रही थी, एक रिलोकेशन जहाँ पर कोई हील एरिया में रिलोकेशन लेक एरिया में आप जाएंगे, बट दिस इज़ लाइक विश कम ट्रू, एक साइकिल ओपन होने जा रही है, जिस साइकिल के लिए बेसब्री से टाइम हैज़ अ मैसेज। आप वेट कर रही थी उस डिवाइन टाइमिंग के लिए। 11-11 पोर्टल उसको ओपन कर रहा है यहाँ पर, गेट रेडी फॉर दिस। यहाँ पर तो कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी जीवन शैली, दिनचर्या यहाँ पर चेंज हो रही है, आप इंजॉय कर रही है, अपनी कंपनी को भी आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दैट्स वाई आप रिसेप्टिव मोड में होंगे। क्योंकि आप जब अपनी कंपनी को इंजॉय करते हैं, देन आप दूसरों को सुखी कर सकते हैं, दूसरों को वो हैप्पीनेस दे सकते हैं। देखते हैं थोड़ी लव लाइफ रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3 11-11 पोर्टल। 11-11 पोर्टल लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। 11-11 पोर्टल जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, मैं बार बार ये बोलती हूँ, ट्रेन देखना सपने में, ट्रैवल प्लेन से ट्रैवल, योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स देम। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन जर्नी नज़र आ रही है, और समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। लेट मी चेक व्हाट्स अबाउट एनर्जी रिगार्डिंग लव लाइफ। यर्निंग, योर सोल इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। जैसे सोल का एक डिज़ायर है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने की, एंड सोल इज़ क्राइंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि सोल इज़ क्राइंग फॉर इट्स डिवाइन काउंटर पार्ट। डजेंट मैटर आप मेल और फीमेल जो भी है, बट जैसे फिजिकल मीटिंग होने जा रही है ये बहुत जल्दी, क्योंकि ट्रैवल का भी एक एनर्जी आ रही है। ओ दिस कार्ड, इन्वाइट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। इन्वाइट करो तो इनविटेशन होगा, इन्वाइट किया जाएगा और आप इन्वाइट करेंगे, आपको इन्विटेशन मिलेगा, गो फॉर दिस। एक इम्पॉर्टेंट, एंड देखिए यहाँ पर एक यर्निंग है, एंड यहाँ पर देखिए मीटिंग हो रही है। सो या देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है लव लाइफ रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में। 11-11 पोर्टल क्या मेजर शिफ्ट चेंजेस लेकर आ रही है। 11-11 पोर्टल, थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है, जैसे 8-8 पोर्टल का, लायंसगेट पोर्टल का एक चेंज होती है, एक पोर्टल ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत पावरफुल शिफ्ट, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसम्यूट आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज।
वन मोर स्पिरिट, थैंक यू, यस, बटरफ्लाईज हियर. बॉटम ऑफ द डेक, राइट पाथ, लव इज़ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. कुछ एस्पेक्ट में लव लाइफ में आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं बटरफ्लाई. सो यू विल मीट योर लव इंटरेस्ट एट ए पार्टी और नाइट आउट और कोई नाइट टाइम फ्रेम में, जब शाम हो रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम किसी पार्टी फंक्शन के थ्रू से, और मे बी इन्वाइट किया जाएगा आपको ऐसे ही टाइम फ्रेम जब शाम हो रही है इस टाइम फ्रेम में. बट बटरफ्लाई आई हुई है ट्रांसम्यूट, एक मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है. एंड लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांजेंट टाइम एंड स्पेस. सो बार बार लुक एट दिस ट्रेन हियर, और एक कार्ड में ट्रेन आई थी इस डेक की बॉटम ऑफ द डेक में, शायद ट्रेन आई थी, आई डोंट नो, बट एक ट्रेन का मैसेज मुझे बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही. तो आपको सपने में दिखाई दे सकती है, वॉलपेपर में, जस्ट फॉर एग्जांपल. सो यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई ट्रैवल करता हुआ आपकी यू नो और आ रही है, जैसे दैट्स वाई इन्विटेशन आएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए. लेट मी चेक वन मोर कार्ड, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. कार्ड नंबर 3, ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस. ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर. एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी. द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टाइंड इवेंट. कुछ व्यूअर्स के लिए रीयूनियन मतलब ट्विन फ्लेम के साथ आप पास्ट लाइफ में भी मिली हुई है, राइट? सो दिस इज़ लाइक अ डेस्टाइंड और फेटेड कनेक्शन जिसके साथ आप फिर से मिलने जा रही है. एंड रिकंसिलेशन यहाँ पर है. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.